प्लीज़ एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल माई किचन टेस्टी डिशेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकॉन है इसको प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ रसगुल्ला। रसगुल्लों के लिए मैं ली हूँ 1 लीटर दूध। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप इसकी ये है कि इसका जो दूध लेते मिल्क लेते लो फैट मिल्क लेना। अगर फुल फैट मिल्क लेंगे तो बनेंगे ही नहीं वो सही। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि लो फैट मिल्क लेना। अब इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे। अब सबसे पहले मैं दूध को चूल्हे पे रख दी और फ्लेम को तेज़ रखी और दूध में उबाल आने के बाद इसको दूध को फोड़ेंगे, जब तक वेट करेंगे। चलिए, दूध में एक उबाल आ गया है, इसको ज़्यादा हम आपको बॉईल करना नहीं है, थोड़ा सा एक उबाल का इंतज़ार करी मैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून विनीगर, चाहे तो लेमन का जूस से भी आप दूध फोड़ सकते। फ्लेम को मैं धीमा रखी, अब फ्लेम को थोड़ी तेज़ कर ली, थोड़ा सा बॉयल आने। चलिए, दूध अच्छे से फूट गया, मैं धीमा रख दी थी थोड़ी देर, अच्छे से फूट गया। इसको फ्लेम को बंद करके इसको छान लेंगे। इसको नॉर्मल ठंडा पानी डाल के ये पनीर को ठंडा कर लेंगे। गरम गरम छोड़ दिए तो घट हो जाता है, ये सॉफ्ट होना है। इसको नीचे से ऊपर पलटा लेंगे और पानी डाल के इसको ठंडा कर लेंगे। एक मलमल का कपड़ा लेके मैं इसको डबल कर ली, मलमल के कपड़े को इसमें डालने के बाद मलमल के कपड़े से इसकी पोटली बना के इसका पानी निचोड़ते जाएंगे। अब इसकी पोटली को 1 घंटे के लिए कहीं भी लटका देंगे। हमारा 1 घंटा हो चुका है, अब इस पनीर को बाहर निकाल देंगे। अब इसको 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से मसल मसल के इसका डो तैयार करेंगे, जैसा आटे का डो तैयार करते उसी तरह से। लेकिन ये सब जो बारीक दिख रहा है आपको पनीर के पीसेस पूरे एक हो जाना, जब तक हम चाशनी चढ़ा लेंगे। 1 कप शक्कर, ये 1 कप 100 ग्राम का है, शक्कर 100 ग्राम है। 1 कप शक्कर लिए ये 1 कप से 3 कप पानी डालेंगे। इसकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहना, मीडियम रहना। इसकी चाशनी को फ्लेम तेज़ कर दी और इसको चूल्हे पर रख दी। अब ये बॉईल होके पकेंगे, जब तक पनीर का डो बनाएंगे। और इसमें चाशनी में चाहे तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अब इसको हथेली की मदद से मसलते हुए इसका डो तैयार करेंगे। यह तिली का जो ये हिस्सा रहता, यहाँ से
5 से 10 मिनट का टाइम लगता है इसको अच्छे से मसल के इसका डो तैयार करने, सॉफ्ट डो तैयार करने। इसको ऐसा रगड़ते हुए हथेली के कोनी से इसको ऐसा रगड़ते हुए बनाएंगे। ये डो तैयार हुआ क्या मालूम करने के लिए पहले एक बॉल बना लेना, एक गोला गोला बना लेना इसका। इसमें क्रैक्स नज़र आए तो फिर और थोड़ा इसको मसल के अच्छा गूंदना। चलिए चाशनी में बॉयल आ गया एक, और शक्कर डालने के बाद एक से दो बार अच्छे से मिलाना। स्टील का बर्तन है, नीचे शक्कर पकड़ भी लेती। एक से दो बार मैं अच्छा मिला लिया और अच्छा सा बॉयल शुरू हो गया। फ्लेम को धीमा कर दी, क्यों बोल तो रसगुल्ले के साथ फिर चाशनी पकती, ज़्यादा गाढ़ी भी ना होना। रसगुल्ले जज्ब नहीं करते, सोखते नहीं। चलिए हम इसके बॉलों की तैयारी करेंगे। चलिए हमारे बॉल्स तैयार हैं, अब चाशनी में डालेंगे। चलिए मैं एक खुला बर्तन ले रही हूँ, इसमें जब रसगुल्ले डालते हैं तो फूल के टाइट हो जाता, आगे बढ़ने नहीं आता। अब ये जो चाशनी बॉईल हो रही है, अब ऐसे वक्त अगर इलायची डालना है तो इलायची का पाउडर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इलायची का पाउडर न डाल रही हूँ, रोज़ वाटर डाल रही हूँ। तो ये रसगुल्ला बनने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालूँगी 1 टीस्पून फुल। अब चाशनी में अच्छे से बॉईल शुरू हो गया, अब ये रसगुल्ले छोड़ते जाएंगे। अब इसको हम एक इसके ढक्कन से लिड से ढाप देंगे और इस पर जो होल रहता इसके ऊपर मैं आटा लगा दी और तेज फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए, एग्जैक्ट 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे तेज़ फ्लेम पे। 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, अब इसको एक बार चेक कर लेंगे। फ्लेम को धीमा कर ली, देखिए रसगुल्ले माशाल्लाह डबल साइज के हो गए, माशाल्लाह डबल साइज के हो गए। अब इसको आहिस्ता से पलटाते जाएंगे सारे रसगुल्लों को, और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसको धीमा कर देंगे, धीमा करके इसको ढाप के धीमा कर दी मैं। अब इसको ढापने से पहले इसमें थोड़ा सा छोटे से कप से थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ, ये चाशनी बहुत गाढ़ी हो जा रही इसलिए। अब इसको मैं धीमा कर दी और ढाप दी, थोड़ा पानी भी ऐड कर दी। अब इसको धीमे फ्लेम पे ढाप के 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाहर इसको रख के ठंडा कर लेंगे, बर्तन और सब गर्म है। ये ठंडा होने के बाद फिर फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। ये ठंडे हो चुके हैं, अब इसको दूसरी डिश में मैं निकाल लेके फ्रिज में रखूंगी, डिश बदल दूंगी। चलिए मैं डिश बदल दी। अब इसमें डालेंगे रोज़ वाटर, 1 टीस्पून फुल रोज़ वाटर, और इसको ढाप के 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये ठंडे होके इसमें टेस्टी भी हो जाते और अच्छा सेट भी हो जाते रसगुल्ले। 3 घंटे के बाद
मैं डिश में निकल के बताऊंगी। हमारे रसगुल्ले ठंडे हो गए, 2 से 3 घंटे के लिए मैं रखी थी, ठंडे हो गए। इसको दूसरे बाउल में डाल के बताऊंगी। बहुत जल्दी बने, बहुत अच्छे आसानी से बने और अच्छे टेस्टी बने। आप चाहे तो कभी भी बना सकते, और बाज़ वक्त खाली दूध भी फट जाता उसके लेके भी बना ले सकते, वेस्ट भी ना होता दूध। देखिए सॉफ्ट बना, स्पॉन्जी बना और अच्छा सॉफ्ट बना। देखिए दबाने पर इसका जूस, इसकी चाशनी निकल जा रही, फिर जज्ब हो जाती इसमें चाशनी में छोड़ने के बाद, फिर अब सोख लेते हैं। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।